जय हिंद, मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशन्स पे। आज हम पढ़ेंगे 28 अगस्त से 3 सितंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स, और ये आपको बता दूंगा आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और PDF भी मिल जाएगी। आपको इस करंट अफेयर की वीडियो की जो PDF है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहले क्वेश्चन ये रहा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद द लिविंग। इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है मल्लिका साराभाई, फैजल फारूकी, आराधना जौहरी, जे सिंह। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मल्लिका साराभाई। जी हाँ, ये बुक मल्लिका साराभाई ने लिखी है। ये फीमेल है, आप ये फोटो देख सकते हैं, ये उनकी बुक की फ्रंट की फोटो है। इसमें इन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया है, और आपको बता दें इस बुक के जो पब्लिशर है उसका नाम है स्पीकिंग टाइगर। तो आप याद रखिएगा, पब्लिशर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी। आपको बताना है कि सेबी के होल टाइम मेंबर किसे अपॉइंट कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है संजय अरोरा, वाणी कपूर, अनंत नारायण, सुरेश एन पटेल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, अनंत नारायण। जी हाँ, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट मतलब ACC के द्वारा अनंत नारायण गोपाल कृष्णन जी को अपॉइंट कर दिया गया है होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। ठीक है, और आपको बता दें सेबी को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आपको ये बता दें, ये सेबी हमने फाउंड किया था, बनाया स्थापित किया था 12 अप्रैल 1992 में, और इसके जो हेडक्वार्टर वो है मुंबई में है, और उसके जो चेयरपर्सन हैं वो मंदावी पुरी बुज हैं। ठीक है, आप चेयरपर्सन याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नाम, और साथ में आप हेडक्वार्टर जरूर याद करिएगा, हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम प्रेसिडेंट एट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, फर्स्ट ओलंपियन टू हेड IOA। आपको बताना है IOA का नेतृत्व करने वाले पहले ओलंपियन भारतीय ओलंपिक संघ मतलब IOA के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन है जगदीप धनखड़ी और आदिल सुमरीवाला, और ऑप्शन सी आपका है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी आपका है सुरेश एन पटेल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, आदिल सुमरीवाला। आपको बता दें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, वो बना दिए गए हैं आदिल सुमरीवाला को। और आपको बता दें इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, इन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया है, अब इसी जगह पे इनके पद पे अब आ गए हैं आदिल सुमरीवाला जी। ठीक है, और आपको बता दें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने फाउंड किया था 1927 में, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं जो वो है, उनका नाम है राजीव मेहता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग हैज़ डिक्लेयर्ड विच डिस्ट्रिक्ट इज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑन 5 पैरामीटर्स। नीति आयोग ने घोषित किया है कि कौन सा जिला 5 मानकों पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला है। तो आपके ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, लेह लद्दाख, मोरबी गुजरात, या हरिद्वार उत्तराखंड। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, हरिद्वार उत्तराखंड। जी हाँ, हरिद्वार उत्तराखंड को नीति आयोग द्वारा डिक्लेयर किया गया है बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑन 5 पैरामीटर। ठीक है, आप ये दे सकते हैं, आपको जानकारी दे दें नीति आयोग के जो, आपको बता दें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम डायरेक्टर जो है उनका नाम है राकेश संजय जी, उन्होंने हरिद्वार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं SS सिद्धू और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको लेटर लिखा, और उन्होंने बताया कि आपका जो जिला है हरिद्वार को हम होली सिटी भी कहते हैं, उस जिले को सबसे अच्छा एस्पिरेशनल सिटी माना गया है, और इसके तहत
इसमें अगर टॉप आने पर क्या मिलता है आपको, 3 करोड़ रुपए एडिशनल रुपए मिलते हैं आपको, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप टॉप नंबर पर आते हैं तो इसमें 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे नीति आयोग द्वारा। और साथ ही आपको बता दें वो 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो आप 5 पैरामीटर्स ये हैं, जैसे पहला है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो कि 30% पार्ट होता है, एजुकेशन का 30% पार्ट होता है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज का 20% पार्ट होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट जिसका 10% पार्ट होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका 10% पार्ट होता है। मतलब आप देख सकते हैं जैसे इन सभी आप हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी का आप 100 मान लें तो आप समझिए जो हेल्थ के लिए 30 नंबर मिलेंगे आपको, 30 नंबर दिए जाएंगे, एजुकेशन को 30 नंबर दिए जाएंगे, और एग्रीकल्चर है और वाटर रिसोर्स है उसको 20 नंबर दिए जाएंगे, और फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट इसको 10 नंबर दिए जाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से पूरा एक टोटल निकाला जाता है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट IMF इंडिया, मतलब IMF में कार्यकारी निर्देशक भारत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अमिताभ कांत, सुरजीत एस भल्ला, या अरविंद पन्नागरिया, या कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। जी हाँ, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट कर दिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया एट IMF, ठीक है। आप देखते हैं ये लिखा हुआ है, और आपको बता दें ये IMF को फॉर्म करा गया था 27 दिसंबर 1945 को, और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और इसके जो टोटल मेंबर्स हैं IMF के, जो मेंबर्स कंट्री हैं आप बता दें वो टोटल 190 हैं, और इसके जो MD हैं मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के इस टाइम जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रिसीव्ड दी 2022 फेलिक्स होफोर्ट वोगेन यूनेस्को पीस प्राइज, तो आपको बताना है 2022 का फेलिक्स होफोर्ट वोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका ऑप्शन है एंजेला मार्केल, नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरेस, या वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, एंजेला मार्केल। जी हाँ, एंजेला मार्केल जी को दिया गया है पीस प्राइज यूनेस्को का, और साथ ही आपको बता दें किस कैटेगरी में दिया गया है, तो आपको बता दें इनके जो एफर्ट्स थे रेफ्यूजीज को बुलाने के लिए, जैसे ना अपने कंट्रीज में बाहर के दूसरे कंट्री के रेफ्यूजीज होते हैं उनको वेलकम कराता है, इसलिए इनको ये पीस प्राइज दिया गया था, ठीक है। कब की बात करी जा रही है इसमें, अभी नहीं, आप ये सोच रहे हो कि यूक्रेन वॉर का ऐसा कह रहा है, यूक्रेन वॉर में इन्होंने क्या नाम है जो रेफ्यूजीज आए यूक्रेन से उनको एडेप्ट करा, नहीं, ये 2015 की बात कर रहे हैं। 2015 में इन्होंने क्या नाम है जो रेफ्यूजीज थे दूसरे कंट्रीज से उनको अपनी कंट्रीज में बुलाया था, और आपको बता दें जर्मन के चांसलर हैं, ठीक है। और ये बता दें इनका जो मोटो था जो था उसने कह दिया वी कैन डू दिस, और इसी के तहत इनको ये पीस प्राइज दिया गया है। और आपको बता दें यूनेस्को को जो फाउंड किया गया था वो 16 नवंबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है, और इसके जो मेंबर्स हैं मेंबर्स कंट्री हैं वो है टोटल 193, और इसके जो हेड हैं इसमें वो है ओडीरे एजोले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट गॉट इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन आफ्टर ए गैप ऑफ मोर देन 100 ईयर्स विद द कमीशनिंग ऑफ ए न्यू फैसिलिटी एस एट सोखवी, ठीक है। तो आपको बताना है सोखवी में एक नई सुविधा से चालू होने के साथ 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस पूर्वोत्तर राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो आपके ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, नागालैंड। जी हाँ, पूरे 119 साल बाद 119 ईयर्स हो गए हैं उसके बाद इनको दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है इस स्टेट को। और आपको बता दें इससे पहले जो रेलवे स्टेशन जिसका नाम था दीमापुर रेलवे स्टेशन, ये नागालैंड में बनाया गया था कब, 1903 के अंदर, ठीक है। 1903 के बाद
अब 2022 के अंदर इनको अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है और इसके जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसका क्या नाम आयोजित किया गया, स्टेशन से उद्घाटन किया गया। और उनकी जो ट्रेन थी दोनी पोलो एक्सप्रेस जो कि सुखावी रेलवे स्टेशन से चलती है उसका फ्लैग ऑफ किया था। और साथ ही आपको बता दें नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, इनके चीफ मिनिस्टर आपको बताई दिए हैं और इनके गवर्नर जो हैं जगदीश मुखी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन्स वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी द्वारा दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन लॉन्च करी है। आप उसकी फोटो देखते हैं, ये जो ट्रेन है ये हाइड्रोजन पावर्ड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये पावर, जैसे इनके जो मोटर्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं, पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है वो करी जा रही है हाइड्रोजन से, तो इसीलिए कहा जाता है हाइड्रोजन पावर्ड ये ट्रेन है, ठीक है। आपको जानकारी बता दें ये पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन पावर्ड है और ये जर्मनी के अंदर है, ये ट्रेन ऐसी पहली है जो हाइड्रोजन पावर्ड है। और साथ ही आपको बता दें ये 15 डीजल ट्रेन्स जो जर्मनी के अंदर 15 डीजल ट्रेन्स हैं उनको रिप्लेस कर देगी, उसकी जगह पे ये हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन लाई जाएगी। और आपको बता दें टोटल 14 ट्रेन्स कमीशन की जाएगी जर्मनी के अंदर, ठीक है। और इसे बनाया किसके द्वारा गया है, इसे बनाया गया है फ्रेंच कंपनी ने एल्स्टोम जो नई कंपनी है उसके द्वारा ये ट्रेन बनाई गई है। आपको बता दें इस ट्रेन की जो रेंज है, मतलब एक बार पूरा हाइड्रोजन गैस इसके अंदर फिल कर दी जाएगी उसके बाद कितनी चल जाएगी, तो आपको बता दें 999 किलोमीटर चल सकती है एक बार इसका पूरा हाइड्रोजन टैंक फुलने के बाद। और इसकी टॉप स्पीड है वो है 140 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट स्विस नेम्ड विच पर्सन एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मतलब CFO। क्रेडिट स्विस ने किस व्यक्ति को मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया है? तो आपके ऑप्शन है दीक्षित जोशी, गीता गोपीनाथ, उर्चिल कोर्नर या फ्रांसिस्का मैकडोनागे। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, दीक्षित जोशी। जी हाँ, दीक्षित जोशी जी को अपॉइंट किया गया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ क्रेडिट स्विस का, ठीक है। आप देख सकते हैं ये उनका फोटो है दीक्षित जोशी जी का। और आपको बता दें जो फ्रांसिस्का मैकडोनाग हैं इनको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन एम एंड नीति आयोग विल एस्टेब्लिश 500 अटल टिंकरिंग लैब्स इन विच स्टेट यूटी। तो आपको बताना है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा 500 अटल टिंकरिंग लैब्स एस्टेब्लिश की जाएंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको बता दें जो अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर चिंतन वैष्णव। और आपको बताएं जानकारी दें ये जो अटल इनोवेशन, आप देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन है इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये है इसमें जो हाई स्कूल के बच्चे हैं जम्मू कश्मीर को उन्हें मोटिवेट किया जाएगा, किस लिए कि वो एक इको वहाँ पे जो ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए, एक डेवलपमेंट किया जाए उन स्टेट्स उस मतलब यूटी के अंदर जिसमें बच्चे जो हैं वो वेरियस सेक्टर्स में काम करें, जैसे रिसर्च के अंदर रिसर्च करें, कोई अपनी इंडस्ट्री खोलें या कोई अनेक एंटरप्रेन्योरशिप बने, इसी के लिए इनको प्रमोट करने के लिए ये इनोवेशन चलाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच एक्ट हैज बीन अमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट टू रिक्वायर्ड चीफ जस्टिस आफ्टर रिटायरमेंट टू रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, मतलब सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट जज एक्ट 1952, मतलब इसमें सैलरी और कंडीशंस ऑफ सर्विस आती हैं, सुप्रीम कोर्ट जज एक्ट 1956, सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट 1958, सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट 1960। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट 1958। तो आपको बता दें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी में जो क्या एक्ट 1950 सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट 1958 है इसी के अंदर संशोधन किया है और इसके अंदर जो उनका रूल है 3B इसको अमेंड कर दिया गया है, जिसके तहत जो इनके सुप्रीम कोर्ट्स के जो जज हैं रिटायर्ड जज और रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं उनको एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। आपको बता दें ये जो क्या नाम रूल चेंज किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस टू सून कम अप इन विच सिटी, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जल्द ही किस शहर में स्थापित होगा। तो आपके ऑप्शन है कोलकाता, नागपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। जी हाँ, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर स्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें जो इसकी कॉस्ट होगी, मतलब इसकी जो पूरी जो बिल्डिंग बनेगी, आपको बताएं 3-स्टोरी बिल्डिंग होगी और इस बिल्डिंग की जो कॉस्ट होगी वो 1/4 होगी। मतलब जैसे किसी बिल्डिंग का खर्चा आप 100 रुपये मान लीजिए हैं, और 100 रुपये होता है, पर 3D प्रिंटेड जो बिल्डिंग बनेगी उसका खर्चा सिर्फ 25 रुपये होगा। तो आप सोच रहे कितना कम खर्चा होगा 3D प्रिंटेड से। और आपको बता दें ये किसके द्वारा करी जा रही है, ये बनाई जा रही है लार्सन एंड टूब्रो द्वारा। ये भारत के अंदर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और आपको बता दें इसकी जो क्लियरेंस है वो किसके द्वारा दी गई है, वो क्लियरेंस दी गई है बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड IIT मद्रास द्वारा। ठीक है, आप याद रखिएगा ये क्लियरेंस किसके द्वारा दी गई है और साथ ही किस कंपनी ने बनाया है, ये आप याद रखिएगा। जैसे लार्सन एंड टूब्रो ने एक बनाया है, और कितनी स्टोरी बिल्डिंग होगी, ये 3-स्टोरी बिल्डिंग होगी। ठीक है, ये 3-स्टोरी बिल्डिंग होगी और कहाँ होगी, आपको पता ही है बेंगलुरु कोलकाता के अंदर है। तो ये मेन पॉइंट है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन दी अबू धाबी मास्टर्स चेस टाइटल, मतलब अबू धाबी मास्टर्स चेस शतरंज का खिताब किसने जीता। तो आपके ऑप्शन है गुकेश डी, अर्जुन इगेसी, आदित्य सामंत या रमेश बाबू प्रगनंदा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, अर्जुन इगेसी। जी हाँ, 28th अबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर अर्जुन इगेसी जी ने जो स्पेन के डेविड एंटोन गुजारो उनको हराया है 9th और फाइनल राउंड के अंदर। और साथ ही आपको बता दें उनने पूरे टूर्नामेंट को जीत लिया है। ठीक है, अबू धाबी मास्टर्स चेस टाइटल को जीत लिया है। और आपको बता दें इनके जो पॉइंट थे वो थे 7.5 पॉइंट के साथ ये पूरा टूर्नामेंट जीता है इनने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन क्राउंड लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2022, मतलब लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का ताज किसे चुना गया है। तो आपके ऑप्शन है दिव्यता राय, ओजस्वी शर्मा, श्रीनिधि सेठी या प्रज्ञा अयागरी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, दिव्यता राय। जी हाँ, दिव्यता राय जी को टाइटल मिला है लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का। आपको बता दें इस पर जो सेकंड पोजीशन मिली है वो रही है प्रज्ञा अया का
अयागरी जी की, जो कि तेलंगाना से हैं। और आपको बता दें जो दिव्यता राय जी हैं ये कहाँ से हैं, ये कर्नाटका से हैं और ये 23 साल की हैं। आप ये फ़ोटो देखते हैं, ये फ़ोटो हैं, ये दिव्यता राय हैं। इन्हीं को क्या नाम मिस डीवाई यूनिवर्स मिला है, टाइटल जीता है इन्होंने। और ये जो आप ब्लू ड्रेस में देख रहे हैं इनका नाम है प्रज्ञा अयागरी जी, इन्हें मिला है। इनको टाइटल कौन सा मिला है, इनको टाइटल मिला है मिस डिवा सुपर नेशनल 2022 का टाइटल मिला है इनको, ठीक है। और ये सेकंड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन, इनको जो टाइटल मिला है वो पॉपुलर्स चॉइस का मिला है। तो ये तीन जो टॉप थ्री प्लेयर्स वो कंटेस्टेंट हैं उनके ये दे रखा मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड द सेकेंड प्लेयर ओवरऑल इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री टू हैव प्लेड 100 मैचेस ईच इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ द गेम्स। मतलब कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सभी तीन प्रारूपों में 100-100 खेलने वाले पहले भारतीय और दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपका ऑप्शन है विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली भारत के पहले और वर्ल्ड के दूसरे ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने तीनों, मतलब टेस्ट, ओडीआई और टी ट्वेंटी मैचेस के 100 मैचेस खेले हैं। जैसे विराट कोहली ने टोटल 100 T20 मैचेस खेले हैं, 102 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 262 ओडीआई मैचेस खेले हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि जो विराट कोहली का अपना करियर था, उनकी शुरुआत कब करी थी इन्होंने, इन्होंने शुरुआत करी थी अगस्त 2008 से, ठीक है, अगस्त 2008 से। और आज हमारा क्या हो गया, 2022 हो गया है, तो लगभग 14 साल करीब हो गया इनको क्रिकेट के अंदर। इन 14 साल के अंदर टोटल 100 T20 मैचेस, 102 टेस्ट मैचेस एंड 262 ODI मैचेस खेले हैं, ठीक है। और इनका जो बेस्ट स्कोर रहा है वो 94 का, मतलब इंडिविजुअल स्कोर जो रहता है ना आपका, वो 94 रहा है। और इन्होंने 300 हाफ सेंचुरीज मारी हैं, ठीक है। और आपके बता दें इनके जो रन्स हैं वो हैं T20 में जो रन्स हैं वो हैं 3,308 रन्स रहे हैं और एवरेज उनका रहा है वो 50.1 का रहा है। और साथ ही आपको एक और बात बता दें, जो T20 में सबसे ज़्यादा रन, जो हाईएस्ट स्कोरर है वो हैं रोहित शर्मा जी, जिन्होंने टोटल 3,522 रन्स मारे हैं। और थर्ड पोजीशन पे हैं विराट कोहली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया फिनिश्ड एट विच पोजीशन इन द 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स AIOEA हेल्ड इन जॉर्जिया। मतलब जॉर्जिया में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक पर 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा। तो आपके ऑप्शन हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो AIOEA के अंदर इंडिया की जो पोजीशन रही है वो थर्ड पोजीशन रही है। और आपको बता दें ये 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हुआ था, इसमें इंडिया की रैंक थर्ड रही है। और साथ ही सिंगापुर भी इनके साथ ही रहा है, मतलब सिंगापुर और इंडिया की रैंक थर्ड रही है, दोनों के बराबर बराबर था। इंडिया और सिंगापुर ने टोटल 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। और आपको बता दें फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है, फर्स्ट पोजीशन ईरान रहा है। ईरान नफजन की जो टीम थी वो रही, जिन्होंने टोटल 5 गोल्ड जीते हैं। और जो गेस्ट टीम रही है सेकंड पोजीशन पर ना, तो वो उन्होंने टोटल 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। इसी बात पर इंडिया आती है और सिंगापुर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट विल बी ओपन्ड। मतलब किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खोला जाएगा। तो आपका ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल के अंदर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खोला जाएगा। और आप देख सकते हैं फोटो। और आपको बता दें इसका जो गुम्बद होता है जी, आप ये देखते हैं ना, ये गुम्बद, ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद भी होगा, ठीक है। और आपको बता दें ये जो इसके जो हेडक्वार्टर होंगे ना, जो हेडक्वार्टर कैसे सर्व करेंगे,
वो हेडक्वार्टर्स होंगे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा ठीक है इस्कॉन के द्वारा, ठीक है। और आपको बता दें यह एक वैदिक प्लेनेटेरियम होगा, जहां पर जो हमारे जितने भी पुरानी जो सभ्यता हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। आप इसका बिगेस्ट डोम आपको बताई दिया है, जो ये डोम आप देखते हैं, ये डोम ये दुनिया का सबसे बड़ा डोम भी होगा उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स विच इंडियन हैज बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो आपके ऑप्शन हैं शिव नादर, लक्ष्मी मित्तल, गौतम अडानी या मुकेश अंबानी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, गौतम अडानी। जी हाँ, गौतम अडानी जी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट के अंदर। तो आपको बता दें इनकी जो वर्थ है वो है 137.4 बिलियन US डॉलर की, ठीक है। और आपको बता दें इसमें जो टॉप नंबर पे हैं, फर्स्ट पोजीशन रहे हैं वो एलन मस्क रहे हैं, और सेकंड नंबर पे जेफ बेजोस रहे हैं, और थर्ड नंबर पे कौन आ गए हैं? गौतम अडानी हो आ गए हैं। आपको बता दें गौतम अडानी एशिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने टॉप थ्री में अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें इससे पहले जो थर्ड पोजिशन थी वो थी लुइस विटॉन के चेयरमैन हैं बेनार्ड अर्नोल्ड, उनकी थी, इनको पछाड़ के गौतम अडानी जी ने थर्ड पोजीशन हासिल कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 67th फिल्म फेयर अवार्ड, मतलब 67th फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो आपके ऑप्शन है कृति सनोन या आलिया भट्ट, तापसी पन्नू या करीना कपूर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, कृति सनोन। जी हाँ, कृति सनोन जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर, ठीक है। और आपको बता दें जो बेस्ट फिल्म रही है वो रही है शेरशाह, जो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई है, और बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं विष्णुवर्धन, जिन्होंने ये शेरशाह मूवी डायरेक्ट करी है। और बेस्ट एक्टर जो रहे हैं वो रणवीर सिंह रहे हैं, कौन सी मूवी के लिए? 83 एस कपिल देव के लिए, ठीक है। और आपको बता दें बेस्ट एक्ट्रेस मैंने बताई दिया है कृति सनन, और किस कौन से मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस बनी है, ये है मिमी, आपने मूवी सुनी होगी ना, मिमी आई थी इनकी, उस मिमी मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है पंकज त्रिपाठी जी को मिमी मूवी के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो मिला है साई तमंगर को, जो वो भी किसे, कौन सी मूवी के लिए? मिमी मूवी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिकम कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ट्रेजरर, तो आपको बताना है राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन है अनुराग शर्मा, अजय ठाकुर, विजय अमृतराज या जसवंत सिंह। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, अनुराग शर्मा। जी हाँ, अनुराग शर्मा जी बने हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के ट्रेजरर। आपको बता दें ये बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं झांसी ललितपुर से, और इनको अपॉइंट कर दिया गया है इंटरनेशनल ट्रेजरर ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का। और ये 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के अंदर इनको ये ट्रेजर बनाया गया है। ये कहाँ हुई थी? हैलिफैक्स कनाडा के अंदर हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु विल अनवील न्यू इंडियन नेवी आइंस्टाइन एट द एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कमिश्निंग सेलिब्रेशन, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कमिश्निंग समारोह में नए इंडियन नेवी एनसाइन का अनावरण कौन करेगा? तो आपका ऑप्शन है वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी द्वारा INS
नेवी पर INS विक्रांत पर उनकी कमीशनिंग पर जिसका कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में उसी दिन मतलब 2 सितंबर को इन्होंने इंडियन नेवी का नया जो साइन है फ्लैग है उसका उद्घाटन किया था। आप देख सकते हैं ये जो फ्लैग है यहाँ पे इंडिया का फ्लैग है या झंडे के अंदर और यहाँ इंडियन नेवी का जो आप कहते हैं वो आइकन एक आइडल होता वो होगा। और आपको बता दें जो इंडिया के नेवी झंडे हैं वो अलग अलग टाइप के रह चुके हैं, जैसे 1914 से 1950 तक में जैसे ये नेवी झंडा रहा, उसके बाद फिर ये रहा, फिर 2001 में हम लोगों ने इसे चेंज करके ये कर दिया गया, फिर 2004 तक ये चला, 2004 से फिर इसे चेंज कर दिया गया, 2004 से इसको चेंज करके ऐसा बना दिया गया है, पर अब 2022 में चेंज कर दिया गया, अब ये कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ लोन स्कीम महिला निधि टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब किस राज्य सरकार महिला उद्यमियों की मदद के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? तो आपके ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत उनके द्वारा महिला निधि स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो महिलाएं होंगी जो काम करने वाली महिलाएं होंगी जिनकी छोटी छोटी या पर छोटी छोटी जो कारोबार होगा उद्योग होगा उनको सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाएगा। ठीक है, ऋण दिया जाएगा जैसे कहते हैं वो दिया जाएगा जिससे कि वो अपने बिजनेस को छोटा बिजनेस है उसे बढ़ा सकें। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाएगा इसे जो महिला निधि गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? वो स्टैब्लिश किया गया है रूरल लेवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा। आपको बता दें राजस्थान सेकेंड स्टेट रहा है किसके बाद? तेलंगाना के बाद। महिला निधि जो स्कीम है ये पहले सबसे पहले तेलंगाना ने लॉन्च करी थी उसके बाद राजस्थान सरकार ने करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ब्रोक 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड एट द 87th ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स, मतलब 87th अखिल भारतीय अंतर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो आपके ऑप्शन है अमलान बोरगोहेन या अमीय कुमार मलिक या अबद बोरुआ या अदीप बोरदोलई। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए अमलान बोरगोहेन। ठीक है, अमलान बोरगोहेन ने अब नेशनल जो रिकॉर्ड 100 मीटर का जो नेशनल रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, मतलब ऑल इंडिया रेडियो के संचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है वसुधा गुप्ता, एन वेंदुधर रेड्डी या कृष्ण रामकुट्टी या कार्तिक कृष्णन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए वसुधा गुप्ता। जी हाँ, वसुधा गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो का। आपको बता दें ये एक IIS ऑफिसर हैं, मतलब इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं और इनको अपॉइंट कर दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो का। और आपको ये बता दें इससे पहले ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के चार्ज था इनके पास। ठीक है, अब उसके बाद अब ये चार्ज संभालेंगे, इसका डायरेक्टर जनरल का पद संभालेंगे। ठीक है, और आपको बता दें इससे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे ऑल इंडिया रेडियो के वो थे एन वेणुधर रेड्डी जी। ठीक है, एन वेणुधर रेड्डी जी थी, इनका जो टेन्योर था वो पूरा हो गया था इसलिए सुपर एनुइटी मतलब था रिटायरमेंट की जो टाइम हो गया था इनका इसलिए रिटायरमेंट हो गए थे इसलिए अब इनकी जगह पर ये आ गई हैं वसुधा गुप्ता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी हैज बीन हेल्ड, मतलब होम्योपैथी के गौरव के लिए पहला विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो आपका ऑप्शन है शारजहा,
अबुधाबी, मस्कट या दुबई? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, दुबई के अंदर। जी हाँ, दुबई में पहला वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी हेल्ड किया गया, मतलब आयोजित किया गया है। और इसका जो थीम थी, मतलब आप वो यार मेन चीज़ होती है आपकी ना, कोई भी समिट होती है उस समिट में उसकी जो थीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी होती है। इसकी थीम क्या थी? डिजीजेस कॉज बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी ये जो थीम है वो जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द ऑटोबायोग्राफी द हीरो ऑफ टाइगर हिल, मतलब द हीरो ऑफ टाइगर हिल की आत्मकथा किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन है संदीप जौहरी, विवेक गुप्ता, आयुष्मान चावला या योगेंद्र सिंह यादव। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, योगेंद्र सिंह यादव। जी हाँ, योगेंद्र सिंह यादव द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है द हीरो ऑफ द टाइगर हिल। ठीक है, आप ये बुक का कवर पेज देख सकते हैं, या ये है बुक का कवर पेज। आपको बता दें जो हमारे योगेंद्र सिंह यादव हैं ये सूबेदार मेजर हैं और ऑनरेरी कैप्टन हैं, पर ये रिटायर हो गए हैं अब। ठीक है, तो अब इन्हें क्या बोला जाएगा? सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव रिटायर हैं, और ये आप सबसे अच्छी बात है, ये भारत के सबसे कम उम्र में वीर चक्र पाने वाले, परम वीर चक्र पाने वाले सिपाही बने हैं, एक आर्मी ऑफिसर हैं। ठीक है, और कितनी उम्र, कौन सी एज में इन्होंने अपना क्या नाम है परमवीर चक्र पाया था? तो परमवीर चक्र इन्होंने पाया था 19 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में इनको परमवीर चक्र मिला था। और किस लिए मिला था? ये मिला था इन्हें 1999 की जो कारगिल वॉर हुई थी उसके लिए। और आपको बता दें ये ऑटोबायोग्राफी है पब्लिश किसके द्वारा की गई है? ये पब्लिश की गई है सृष्टि पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज विल सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करेगी? तो आपका ऑप्शन है हजीरा, सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, हजीरा। जी हाँ, हजीरा के अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। ठीक है, और आपको बता दें जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, इनके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई है। और इसके तहत इसमें गौतम अंबानी जी टोटल 75,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 5 साल में। और आपको बता दें इस जो पूरा का प्लांट होगा, ये कार्बन फाइबर प्लांट, इसका जो फर्स्ट फेज होगा वो 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिकम दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ S4 एसरीज फॉर इट्स इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड अपर केस। तो आपको बताना है अपने पर्यावरण के अनुकूल लगेज ब्रांड अपर केस के लिए S4 एक्सेसरीज का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो आपका ऑप्शन है रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ S4 एक्सेसरीज फॉर इट्स इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड अपर केस। सारी फोटो देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह जी का, और उनका ये बैग है, ये अपर केस, ये इको फ्रेंडली लगेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ मर्सिडीज बेंज इंडिया। मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है संतोष अय्यर, मार्टिन स्वेक, असित रथ या आदि आचार्य। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, संतोष अय्यर। जी हाँ, संतोष अय्यर जी को अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ मर्सिडीज बेंज इंडिया का। आप देख सकते हैं ये उनका फोटो है, और ये मर्सिडीज बेंज आप जानते हैं ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये लग्जरी कार्स बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेस्ट्रोस्पेक्ट,
इंडियन बैंकिंग इन रेस्ट्रोस्पेक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन है संतोष शुक्ला, अशोक महाजन, सत्येंद्र सिंह या आशुतोष रारविकर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, आशुतोष रारविकर द्वारा यह बुक लिखी गई है जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग इन रेस्ट्रोस्पेक्ट। ठीक है, और आपको बता दें ये 75 ऑफ इंडिपेंडेंस पे ये बुक गई है और ये डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च द DEPR रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉक्टर आशुतोष रारविकर द्वारा यह बुक लिखी गई है। और ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है, क्योंकि पब्लिशर बहुत जरूरी होता है, तो यह है अश्वाद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।